आदाब नाजरीन, शमा स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला खुलेदी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब ने फलस्तीनी अवाम की मदद में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ी। अब तक के 500 मिलियन रियाल से ज्यादा की इमदाद फराहम की गई है। ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 75 अफराद बैतुलहिया और 17 खान यूनुस में निशाना बने। खुराक की तकसीम के दौरान इमदादी कारकुनों की हलाकत के बाद इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। मलेशिया और थाईलैंड में सैलाब, शदीद बारिश के नतीजे में सैलाब से 12 अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए। एमरजेंसी सर्विस मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है, जबकि मजीद बारिश की पेशगोई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को टैक्स और बंदूक के मुकदमात में माफी दे दी। उन्होंने मुकदमात को सियासी करार देते हुए कहा कि हंटर को निशाना बनाया गया क्योंकि वो मेरा बेटा है। गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान एक मामूली तनाजे के बाद हंगामा आराई शुरू हुई, जिसमें 100 अफराद हलाक हो गए और कई दिगर जख्मी। इस झड़प में पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी गई। किसानों ने पार्लियामेंट की जानिब मार्च की कोशिश की, जिसके बायस दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मराठा बरादरी के तहफ़ुज़ात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। उन्होंने RSS सरबराह के बयानात पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में मुसलमानों पर तनकीद करने वाले अब खुद ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में साइक्लोन फिंगल के बायस शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दी। सड़कें ज़ेरे आब आ गई और कई इलाके मुतासिर हुए, जहां मुसलसिल बारिश की वजह से नदी नाले और तालाब लबरेज हो गए। हुक्काम ने तालीमी इदारों को बंद कर दिया और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की। ऑल इंडिया कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि BJP ने गुज़िश्ता 11 सालों में आईनी इदारों और जमहूरियत को कमज़ोर करने की कोशिश की। दिल्ली के रामलीला मैदान में आईन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कांग्रेस के जलसे से खताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करना ज़रूरी है। आज दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये और डीजल 87 रुपये फी लीटर मुस्तकिम रहे। बैनुल अक़वामी खाम तेल की कीमतों में मिले जुले रुझान के बावजूद मुल्क में नरखों में कोई तब्दीली नहीं हुई। बुधवार को तिरुपति पुलिस ने घाट रोड पर लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले 6 नौजवान को गिरफ्तार करके उनकी गाड़ी जब्त कर ली। नौजवान बारिश के दौरान सड़क पर सेल्फियाँ ले रहे थे, जिससे न सिर्फ अपनी जान को खतरा था बल्कि दिगर मुसाफिरीन के लिए भी ये खतरनाक था। नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दमरचला के कबायली वेलफेयर गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल को गफलत और इंतजामी कोताहियों की वजह से सस्पेंड कर दिया। मायने के दौरान गैर सेहतमंद खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल पकड़ा गया, जिसके बाद फौरी तौर पर मुअत्तली का हुक्म दिया गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इम्तिहानी फीस की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने मार्च 2025 के इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तहान के लिए फीस की आखिरी तारीख 3 दिसंबर तक बढ़ा दी। देराना फीस के साथ 2 जनवरी तक फीस दाखिल की जा सकती। ऑयल कंपनियों ने 19 किलोग्राम की कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 16 रुपए का इजाफा किया, जिसके बाद दिल्ली में कीमत 1818 रुपए तक पहुंच गई। तमाम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेतु भरोसा स्कीम पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा और किसानों को गुमराहकुन प्रोपोगंडे से बचने की हिदायत दी। उन्होंने साबिका हुकूमत के कर्जों का जिक्र भी किया। नारायणपेट जिले में कृष्णा ब्रिज के करीब एक लारी ने RTC बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर की जान चली गई और कई अफराद जख्मी हुए। तूफान फिंगल के असरात तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में महसूस होने लगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम खुशगवार रहा। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 दिनों तक मौसमी तब्दीलियों का इम्कान नहीं बताया, जबकि दिगर अजला में बारिश जारी रहने की तवक्को है। ये थी आज तक की स्पीड न्यूज। जुड़े रहिए शमा न्यूज से। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। शमा न्यूज, रोशनी सच्चाई।